वेलकम टू जूनियर किड्स शो। लेट्स लर्न वाउल्स। आज हम सीखेंगे वाउल्स के बारे में। देयर आर फाइव वाउल्स। वाउल्स कितने होते हैं? फाइव। और वो कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों वाउल्स होते हैं। दीज आर फाइव वाउल्स। चलो इन्हें एक बार फिर से लर्न करते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। फ्रेंड्स, ये लेटर्स अगर स्मॉल लेटर में लिखे हो तब भी इन्हें वाउल्स ही कहा जाता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का यूज किया है ताकि जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो कि कैपिटल लेटर को वाउल्स बोलते हैं या स्मॉल लेटर को वाउल्स बोलते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। सो फ्रेंड्स, दीज आर अवर फाइव वाउल्स। ये पांचों हमारे वाउल्स हैं। अब हम इन्हें लर्न तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लर्न करके इनका यूज किस तरह से करना है, चलिए इसे देख लेते हैं। ए, एन। ए और एन ये दो आर्टिकल्स हैं और इनका यूज हम वर्ड्स के साथ करते हैं, सिंगुलर वर्ड्स के साथ करते हैं, जैसे ए बैट, ए चेयर, ए टेबल, ए विंडो। और एन का यूज हम करते हैं एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। इस तरह से वाउल्स को छोड़कर बचे हुए लेटर से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं ए, और जो लेटर वाउल से स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं एन। मीन्स हमें वाउल्स के साथ ए यूज नहीं करना है, हमें वाउल्स के साथ एन यूज करना है। तो चलो हम एन का यूज कुछ एग्जांपल के साथ सीखते हैं। वाउल्स, एन। फ्रेंड्स, हमने देखा कि वाउल्स का रिलेशन है एन से। अब हम कुछ वर्ड्स लेंगे जो वाउल्स से स्टार्ट होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कुछ वर्ड्स लेंगे जो वाउल्स लेटर से स्टार्ट होते हैं और उनके साथ एन किस तरह से यूज होता है वो भी देखेंगे। जैसे हम पहला लेटर ले रहे हैं ए, और ए से जुड़े कुछ वर्ड्स ले रहे हैं, एप्पल, एंट, एरो, एक्टर। ये चारों जो वर्ड्स हैं इनका फर्स्ट लेटर ए है, और ए हमारा क्या है, वाउल है। इसके लिए इन वर्ड्स के आगे हम यूज करेंगे एन, ए, एन, एन। जैसे एन एप्पल, एन एंट, एन एरो, एन एक्टर। अब फ्रेंड्स, हम ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ एन किस तरह से सेंटेंस में यूज होगा इसे देखते हैं। एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। अब हम ई लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखते हैं, एग, एंजिन, एलिफेंट, एल्बो। फ्रेंड्स, इन चारों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर है ई। लेटर ई हमारा वाउल है, इसके लिए इन वर्ड्स के आगे हम एन का यूज करेंगे, जैसे एन एग, एन एंजिन,
एन एलिफेंट एन एल्बो। अब हम ई लेटर से जुड़े वर्ड्स के साथ एन का यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं उसे देखेंगे। एग्जाम्पल, एग, दिस इज एन एग, दिस इज एन एग, यह एक अंडा है। अब हम आई लेटर से जुड़े वर्ड्स देखेंगे, इग्लू, इंसेक्ट, आइसक्रीम, आइडिया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन चारों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर आई है जो हमारा एक वाउल है, इसलिए इन चारों वर्ड्स के आगे हम यूज करेंगे एन, जैसे एन इग्लू, एन इंसेक्ट, एन आइसक्रीम, एन आइडिया। फ्रेंड्स, अब हम आई लेटर से जुड़े वर्ड्स के साथ एन को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं उसे देखते हैं। एग्जाम्पल, इग्लू, दिस इज एन इग्लू, दिस इज एन इग्लू, यह एक इग्लू है। अब हम ओ लेटर से जुड़े वर्ड्स देखेंगे, ऑरेंज, आउल, ऑस्ट्रिच, ऑक्टोपस। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये चारों वर्ड्स जो हैं ओ लेटर से स्टार्ट होते हैं और ओ लेटर जो है वो हमारा वाउल है, इसलिए इन चारों वर्ड्स के आगे हम लगाएंगे एन, जैसे एन ऑरेंज, एन आउल, एन ऑस्ट्रिच, एन ऑक्टोपस। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ एन को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, यह एक संतरा है। फ्रेंड्स, अब हम यू लेटर से जुड़े हुए वर्ड्स देखते हैं, अम्पायर, अम्ब्रेला, अंकल, अगली। इन चारों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर यू है और यू हमारा वाउल है, इसके लिए इन वर्ड्स के आगे हम यूज करेंगे एन। देखें कैसे, एन अम्पायर, एन अम्ब्रेला, एन अंकल, एन अगली। अब हम यू लेटर से जुड़े वर्ड्स के साथ एन को कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने वाउल्स के बारे में सीखा, वाउल्स कितने होते हैं, यस 5, और वो वाउल्स कौन कौन से होते हैं चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 वाउल्स और इनके बारे में कुछ एग्जांपल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वाउल्स के बारे में अच्छे से समझ भी आया होगा। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कॉन्सोनेंट के बारे में इसलिए बात नहीं की है ताकि बच्चों को वाउल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ सिखाकर उन्हें कंफ्यूजन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप कॉन्सोनेंट्स के बारे में भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।